आज हम देख रहे हैं सामान्य भविष्य काल। बहुत ही आसान यह काल है कि जिसमें भविष्य काल का प्रयोग किया जाता है। पहला वाक्य हम सामान्य भविष्य काल के वाक्य कैसे हैं वह हम पहले देखते हैं। मैंने वही चार वाक्य लिखे हैं जो हर एक काल में किस प्रकार से उनमें बदलाव होता है, इसलिए वही वाक्य लिए हैं। पहला वाक्य, रमजानी करामत अली को रोगन देगी। इसमें देगी यह क्या है, क्रिया है कि जो भविष्यकाल में होने वाला, कि वह क्या करने वाली है, करामत अली को क्या देगी, रोगन देने वाले, रोगन यानि दवाई। आराम हराम हो जाएगा, इसमें क्रिया कौन सी है, जाएगा यह क्या है, क्रिया है। इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि आराम हराम होगा, ऐसे भी कुछ छात्र हैं वह क्या कहते हैं, आराम हराम होगा, पर इसमें गया क्या था, क्रिया है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, जाएगा। जैसे कि हमने देखा था आराम हराम हो गया, यह सामान्य भूतकाल का वाक्य है। इस वाक्य में गया यह क्या है, क्रिया है, तो इसका भविष्यकाल करते समय बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, आराम हराम होगा ऐसा करते हैं, तो होगा यह क्रिया नहीं, तो उसमें गया क्रिया है, इसलिए आराम हराम हो जाएगा यह क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तीसरा वाक्य, मजदूर कारखाने के एक विभाग में काम करेगा। इसमें करेगा वह क्या, कारखाने के एक विभाग में काम करेगा, यह आने वाले भविष्य के बारे में क्या किया है, बोला गया है। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करूँगा, मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करूँगा, यह करूँगा पुल्लिंगी है इसलिए करूँगा, स्त्रीलिंगी रहेगा तो करूँगी, दोनों का किसी का भी इस्तेमाल किया तो भी चल सकता है। इस प्रकार से यह क्या हो गए, सभी सामान्य भविष्यकाल के वाक्य। यहाँ पर जो अधोरेखित की गई जो क्रिया है उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दो, जैसे कि देगी, जाएगा, करेगा, करूँगा या करूँगी, इसके क्रिया को अधोरेखित किया गया है, जो हर एक क्रिया क्या हो गई है, वाक्य के अंत में उसका प्रयोग किया गया है। सभी क्रिया देखो, देगी वाक्य के अंत में, जाएगा वाक्य के अंत में, करेगा वाक्य के अंत में, करूँगा करूँगी वाक्य के अंत में, उसके बाद किसी भी प्रकार का है, था, थी या इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। और एक इसमें विशेषता, यह उसकी विशेषता हो गई सामान्य भविष्यकाल की, कि सामान्य भविष्यकाल में भविष्यकालीन क्रिया का उपयोग वाक्य के अंत में होता है, सभी वाक्य के अंत में उसका प्रयोग किया गया है। और इसमें एक विशेषता क्या है कि हर एक क्रिया के अंत में गा, गी, गे का प्रयोग किया गया है, गा, गी और गे का, जब अनेक वचन रहेगा तो गे का, गा, गा, गी, गे का प्रयोग होता है। मतलब अगर हमें सामान्य भविष्यकाल में अगर परिवर्तन करना है तो उस क्रिया के अंत में गा, गी, गे आना क्या है, जरूरी है। अब हम देखते हैं इसके परिवर्तन क्या है। परिवर्तन, उनके हृदय में करुणा रस समा गया था। इसमें क्रिया कौन सी है, गया यह क्या है, क्रिया है, गया, गया यह क्या है, क्रिया है। तो इसका जब परिवर्तन करते समय उसका क्या क्या परिवर्तन होता है इस वाक्य का, वह हम देखते हैं। उनके हृदय में करुण रस समा जाएगा, करुण रस, करुणा नहीं तो करुण रस समा जाएगा, गया का क्या हो जाएगा, जाएगा। कभी कभी कुछ छात्र क्या करेंगे, ऐसा भी परिवर्तन करते हैं, उनके हृदय में करुण रस समाएगा, तो समाएगा यह क्रिया नहीं है, तो क्रिया कौन सी है, गया है, यह क्रिया है, तो गया का ही परिवर्तन होना चाहिए, समाएगा यह क्या हो, ऐसे कुछ छात्रों ने किया तो यह गलत वाक्य हो जाएगा। वाक्य के अनुसार बराबर है, पर इसमें क्रिया कौन सी, मुख्य क्रिया गया यह क्रिया, तो गया यही क्रिया का परिवर्तन होना जरूरी है, तो गया का परिवर्तन क्या हो जाएगा, जाएगा। इस प्रकार से उसका क्या हो जाता है, परिवर्तन
हो जाता है। दूसरे वाक्य में छापामारों ने कवि से क्षमा मांगी थी, इसमें क्रिया कौन सी है? मांगी, यह क्या है? क्रिया है। तो सामान्य भविष्यकाल में परिवर्तन करते समय छापामारों ने छापामारों ने नहीं आ जाएगा, तो छापामार ऐसा आ जाएगा। या यहाँ पर ने का इस्तेमाल, ने को निकाला जाता है, तो सामान्य भविष्यकाल में ने का उपयोग नहीं होता, उसका उपयोग भूतकाल में होता है, भविष्यकाल सामान्य भूतकाल में होता है, पूर्ण वर्तमान में होता है और पूर्ण भविष्य पूर्ण भूतकाल में होता है। तो छापामार कवि से क्षमा मांगेगा, छापामार कवि से क्षमा मांगेगा। अगर ने होता तो क्या हो जाता, देखो छापामारों ने कवि से क्षमा मांगेगा, छापामारों ने कवि से क्षमा मांगेगा, यह वाक्य गलत होता है। तो छापामार कवि से क्षमा मांगेगा, इस प्रकार से उसमें क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तीसरा वाक्य देखते हैं हम, रहमान ने लक्ष्मी को मारा है, तो इसमें क्रिया कौन सी है? मारा, यह क्या है? क्रिया है। तो मारा के अंत में क्या आना चाहिए? गा गी गे का इस्तेमाल करो, तो क्या हो जाएगा? रहमान ने नहीं आ जाएगा, तो रहमान लक्ष्मी को मारेगा, इस प्रकार से क्या हो जाता है, सामान्य भविष्यकाल में परिवर्तन होता है। अभी आपको यह जो बाकी के वाक्य हैं, इन बाकी के वाक्यों को क्या करना है, घर पर क्या करना है, परिवर्तन करना है, और परिवर्तन करने के बाद वह वाक्य क्या करो, फिर से ग्रुप के ऊपर डाल दो, ताकि मुझे समझ में आएगा आपको कितना समझ में आया है। वाक्य कौन से हैं वह मैं पढ़ता हूँ। मंत्री जी ने लोगों को एक मशवरा दिया, वह मुझे बहुत प्रभावित कर रहा है। तीसरा वाक्य, शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है, विदा का क्षण आ गया, और अंतिम का वाक्य है, मनुष्य शरीर श्रम करता है। इन सभी वाक्यों को क्या करना है आपको, सामान्य भविष्यकाल में परिवर्तन करना है, और यह सभी वाक्य परिवर्तन करने के बाद फिर क्या करो, वह व्हाट्सएप के ऊपर फिर से ग्रुप के ऊपर डाल दो। ठीक है, धन्यवाद।